Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. English. Grade 2. As you know that we are doing unit number 9, A Boy Who Cried Wolf. Yesterday we did reading of this page number 48. Today we are going to do reading of page number 49. Let's start. Don't cry wolf when there is no wolf. वो हंस रहा था और क्या कि वुल्फ मत बोलो जब वहाँ पर कोई वुल्फ ही नहीं है. सेड द विलेजर्स, विलेजर्स ने कहा एंग्रीली गुस्से से. दे वेंट बैक और वो वापस चले गए डाउन द हिल पहाड़ों से नीचे. आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद द बॉय कॉल्ड आउट अगैन, उसने दोबारा से कहा वुल्फ वुल्फ, भेड़िया आ गया भेड़िया आ गया. द वुल्फ इज चेजिंग द शेप, वो इनके भेड़े पकड़ रहा है. वंस अगेन द विलेजर्स रैन अप टू द हिल, वो दोबारा से आए टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए. When the villagers did not see any wolf, they said, जब उन्होंने देखा कोई भी नहीं है तो उन्होंने कहा when, why do you lie again and again, तुम क्यों बार बार झूठ बोलते हो. The day will come when nobody will believe you even if you are telling the truth, एक दिन आएगा कि कोई तुम्हारा एतबार नहीं करेगा जबकि तुम सच बोल रहे होगे. But the boy just smiled and watched them going down to the hills once more, लेकिन वो हंसने लग गया और उसने उन्हें नीचे जाते हुए देखा जब वो पहाड़ पहाड़ से नीचे जा रहे थे ना. लेटर ही saw real wolf, थोड़ी देर बाद उसने एक असली क्या देखा, भेड़िया देखा कमिंग towards his flock, जो उसके झुंड की तरफ आ रहा था. द बॉय सडनली जम्प्ड अप एंड क्राइड एज लाउडली एज ही कुड, वो चिल्लाया जितना ऊंचा वो चिल्ला सकता था वुल्फ वुल्फ, भेड़िया आ गया. बट लेकिन द विलेजर्स थॉट, उन गाँव वालों ने सोचा ही वॉज ट्राइंग टू फूल दैम अगैन, वो दोबारा उनको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है. सो दे डिड नॉट कम, और वो नहीं आए दोबारा. इट्स अ टू डेज वर्क, यू हैव टू रीड दिस विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.